इनकी स्थिति कैसी है? क्या इनकी स्थिति कैसी है? डेथ कर गए, इनको डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। जो इनके पुत्र हैं उनका क्या नाम है? गोल लगातारी समाचार बटुए करहगर से रिपोर्टर बानी मोहम्मद शमशाद आलम जी। बड़ा खबर आ रहा बटुए, करहगर प्रखंड में ठनका बरपैलस कहर, दू जना के गइल जान, तीन जना बाड़े घाही। जी हाँ, करहगर के मामला बा, खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार, बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली, देखला के बाद शेयर कर दी ताकि सबसे पहले खबर के नोटिफिकेशन रौरा मिलत रहे। खबर तनी विस्तार से जानी। रोहतास जिला के करहगर प्रखंड में शनिचर के ठनका कोहर बरपा दिलस। प्रखंड के अनेक क्षेत्र में ठनका गिरे से दू जना के जान चली गई, जबकि तीन जना ठनका गिरे से झुलस गए लोग। सब घायल के इलाज जारी बटुए। मिलल जानकारी के अनुसार करहगर थाना से दक्षिण प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोला के नदी खेत में काम कर रहल बाप बेटा पे ठनका गिर गई, जौना में दोनों जना बुरी तरह से झुलस गए लोग। स्थानीय किसान के मदद से PHC ले आवल गई, जहां डॉक्टर पिता के मुअल घोषित कर दिले, जबकि पुत्र के स्थिति गंभीर देखत बेहतर इलाज खातिर सासाराम रेफर कर दिया गई। घटना के संबंध में बतावल जाता कि करहगर निवासी 35 वर्षीय राजू रामा इनकर लड़का 12 वर्ष के अंकुश कुमार महादली टोला के नजदीक स्थित प्राथमिक विद्यालय के भीड़ी खेत में काम करत रहे लोग। यही बीच तेज चमक आ गर्जन के साथ इनका पे ठनका गिर गई, जौना में राजू राम के जगह पर जान चली गई, जबकि इनकर लड़का अंकुश कुमार बुरी तरह से झुलस गई। ओहजे दूसर का घटना प्रखंड क्षेत्र के बड़हरी ओपी के कमालपुर गाँव के बतावल जा रहा बा, जहाँ शनिचर के साझी का धान के रोपनी के कार्य कर रहा महिला मजदूर के नजदीक ठनका गिरे से दूगो महिला झुलस गई लोग, जेकरा के तत्काल बड़हरी स्थित PHC में भर्ती करावल गई, जहाँ चिकित्सक जांच कैला के बाद 19 वर्ष के युवती के मुअल घोषित कर दलन, जबकि घटना में झुलसल महिला के गंभीर स्थिति देखत बेहतर इलाज खातिर चिकित्सक सदर अस्पताल सासाराम रेफर कर दिलन। जानकारी के अनुसार कमालपुर गांव के बधार में वही गांव के जोखन राम के 19 वर्ष के लड़की सुनीता कुमारी और नरेंद्र राम के 30 वर्ष लड़की सीता देवी के साथ एक दर्जन महिला मजदूर धान रोपनी के काम करत रहे लोग। यही बीच चारों तरफ से अंधेरा छाये लागल, तेज चमक के साथ भीषण गर्जन में रोपनी कर रहा मजदूर महिला के नजदीक ठनका गिर गई, जौना में दू जानी झुलस गईली। किसान तत्काल इनका के बड़हरी PHC पहुँचेलन, जहाँ चिकित्सक जांच के बाद 19 वर्षीय सुनीता कुमारी के मुअल घोषित कर दिलन, जबकि सीता देवी के गंभीर स्थिति देखत सदर अस्पताल सासाराम रेफर कर दिया गई। वो ये तीसर का घटना बसंतपुर गाँव के नजदीक के बतावल जाता, जहाँ खेत में धान के रोपनी कर रहा महिला मजदूर के नजदीक ठनका गिरे से बुरी तरह से झुलस गईली, जरा के किसान तत्काल PHC में भर्ती करेलन, जहां चिकित्सक प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज खातिर सदर अस्पताल सासाराम रेफर कर दिलन। घटना के संबंध में बतावल जाता कि बसंतपुर निवासी स्वरूप शाह के 30 वर्ष के मेहरारू आरती देवी गांव के बधार में धान के रोपनी करत रही, यही समय उनका नजदीक ठनका गिर गई, जौना से बुरी तरह से झुलस गईली। सब घायल के बेहतर इलाज खातिर सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया गई बा। ओजे मुए वाला के शव के कब्जा में रेत पोस्टमार्टम खातिर सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया गई बटुए। रउरा सबके बता दी कि जब भी ठनका गिरे अपने आप के सुरक्षित करी, बिजली तड़के सबसे पहले खेत बाधार छोड़ दी और साथे साथ पेड़ पौधा के नीचे मत रही, कोनो मजबूत मकान के नीचे जाई, जान बाँच जाई। बयान सुनी या शेयर कर। बिजली गिरने से कहाँ गिरी? खेत में काम कर रहे थे, कृषि कार्य कर रहे थे जी। कितने लोगों को? ये थे और इनके एक लड़का था छोटा सा। अच्छा, जिस पे गिरी उनका क्या नाम? राजू राम, पिता बाबू लगा। इनकी स्थिति कैसी है? क्या इनकी स्थिति कैसी है? डेथ कर गए, इनको डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। हाँ, जो इनके पुत्र हैं उनका क्या नाम? सर नाम तो याद नहीं है, लेकिन बहुत छोटा इनका लड़का अंकुश कुमार। अंकुश कुमार कितने वर्ष का? 8 वर्ष। वो भी जख्मी है? हाँ, वो भी अभी हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल में भर्ती है। दोनों लोग कारागार के हैं? दोनों लोग वार्ड नंबर 11 हमारे यहाँ पंचायत के कारागार। आपका नाम? लालो कुमार मुखिया, प्रखंड के कारागार।